एक बात बताओ यार, अगर इतने सारे लोग कह रहे हैं कि उनको मीडी के बारे में पता करनी है, मीडी तो आप पहले पूछ लेते। मैं पिछले 6-7 साल से यही तो कर रहा हूँ। शैडो गेमिंग करके एक भाई ने कमेंट किया था कि भाई आपकी वीडियोस मैं देखता हूँ एंड 14 फेब को शायद वो परफॉर्म करने वाले हैं कहीं पे, तो कह रहे हैं कि उसके पहले भी तरीका सिखा दो कैसे लाइव परफॉर्म करते विद मीडी। भाई एक बात बता दूं, ओके सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट इन द लास्ट वीडियो। लास्ट ट्यूसडे को मैंने जो वीडियो निकाली थी लाइव परफॉर्मेंस विद कीबोर्ड के ऊपर, उसमें आप लोगों ने 83 टोटल कमेंट्स आए हुए हैं, जिनमें से आधे मैंने रिप्लाई भी किए हैं। तो ये जो इतने सारे कमेंट्स आए हैं, इसमें एक या दो कमेंट्स को छोड़कर बाकी सबका कहना ही है कि भाई मीडी कीबोर्ड को आप कैसे यूज करते हो, मीडी फंक्शनैलिटी को लाइव परफॉर्म करने के लिए, उस चीज़ के बारे में कुछ बताओ। तो आपने रिक्वेस्ट की और मैं कैसे वीडियो नहीं लाता, आज की वीडियो इज अबाउट दैट। इस वीडियो को आपके साथ मैं भी देखूंगा राइट नाउ यूट्यूब पर, एंड आपको मैं इसका कंटेंट बीच बीच में समझा दूंगा, क्योंकि कभी कभी ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। आप अगर इसको एक दो बार देख लेंगे तो आपकी चीज क्लियर हो जाएगी। अब पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि आप मोबाइल फोन के साथ भी कर सकते हो, आईपैड के साथ भी कर सकते हो, लैपटॉप के साथ भी कर सकते हो। ये वीडियो में हम लैपटॉप देख रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली मेरे पास आईपैड नहीं है। मोबाइल फोन में कैसे करते हैं उसका वर्जन मैं आगे चलकर लाऊंगा, बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज देख लेते हैं। नंबर 1 इज डॉ। डॉ स्टैंड्स फॉर डिजिटल ऑडियो वर्कस्टेशन। ये आपका एक सॉफ्टवेयर है जिसको म्यूजिक सॉफ्टवेयर कहते हैं, जिसके थ्रू आप म्यूजिक बना सकते हैं। तो हम जो सॉफ्टवेयर यूज करेंगे उस सॉफ्टवेयर को हम डॉ कहते हैं। बहुत अच्छे अच्छे डॉज मार्केट में अवेलेबल हैं, काफी महंगे महंगे डॉज भी हैं, कुछ फ्री डॉज भी हैं। तो मैं जो डॉ यहाँ पे यूज कर रहा हूँ ये फ्री तो नहीं है, इसका नाम है एकॉस्टिका मिक्सक्राफ्ट। ये बहुत महंगा भी नहीं है, लेकिन आपको ये खरीदने की जरूरत नहीं है। इसका एक वर्क अराउंड मेरे पास है, जिसकी लिंक मैं अनफॉर्चुनेटली यूट्यूब में पिन नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि वीडियो के ऊपर असर आ सकती है। तो मैंने कल बैठकर एक टेलीग्राम चैनल बनाया है। टेलीग्राम पर अभ्युदय म्यूजिक स्टूडियो सर्च कीजिए, वो चैनल आपको मिल जाएगा, वहां पे ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे मैं इसकी लिंक डाल दूंगा, जहां से आपको ये सॉफ्टवेयर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकता है फुल वर्जन। उसके बाद दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको समझनी है कि मीडी कनेक्टिविटी कैसे काम करती है। देखो मीडी में क्या होता है कि आप जब कीबोर्ड को बजाते हो तो उससे कीबोर्ड से कोई साउंड जनरेट नहीं होता है। कीबोर्ड में आप जो बजा रहे हो वो जो परफॉर्मेंस है, उस परफॉर्मेंस को सेंड किया जाता है आपके लैपटॉप पर, और लैपटॉप पे साउंड्स होते हैं। जैसे कि आपने बजाया लेट्स से सारेगामा पादानिसा, तो वो सारेगामा पादानिसा जो आपने बजाया वो आपके लैपटॉप तक पहुंच गया, एंड वहां पे जो इंस्ट्रूमेंट आपने सिलेक्ट करके रखा हुआ है उस इंस्ट्रूमेंट की आवाज से ये सारेगामा पादानिसा का जो साउंड है ये निकल कर आया। ठीक है, तो कीबोर्ड होता है वो नोट्स को इनपुट देने के लिए कंप्यूटर पर, और कंप्यूटर पर जो आवाज होती है उस आवाज से वो नोट्स बजते हैं। इस वीडियो में मैं मेरा कैशियो 8000 IN यूज कर रहा हूँ। दिस कैन बी रिपीटेड विद यामाहा, नो मैटर जो भी कीबोर्ड आपके पास है। तो इन कीबोर्ड्स के वैसे भी तो नॉर्मली साउंड्स होते हैं, तो इनकी वॉल्यूम्स हम जीरो कर लेते हैं बजाते टाइम। लेकिन अगर आप मीडी कीबोर्ड यूज कर रहे हो तो मीडी कीबोर्ड में तो वैसे भी साउंड्स होते ही नहीं है, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, आप सीधा उसको लगा वो चल जाएगा। तीसरी चीज जो आपको परचेस करना है वो है एक मीडी केबल। तो मीडी केबल परचेस करने की लिंक मैंने नीचे दे रखी है, जो वाली मैं यूज कर रहा हूँ उसकी लिंक नीचे दी हुई है, आप जाकर उसको खरीद सकते हैं। मीडी केबल जो है उसकी एक एंड ऐसी है, ये देखो ये स्क्वायर टाइप का यूएसबी है, एंड दूसरा टाइप जो है वो नॉर्मल जो पेन ड्राइव वाला जो यूएसबी होता है वैसा वाला है। तो ये जो ये कीबोर्ड में जाता है, दूसरा वाला एंड आपके लैपटॉप में जाएगा। ठीक है, इससे आपका कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा, ये बहुत जरूरी है, इसके बिना आप नहीं कर सकते। तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, बट बी पेशेंट, इसको आराम से देखिए, आपको चीज पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगी, एंड आप भी इस चीज को कर पाएंगे। सिर्फ एक ही बार तो आपको देखना है, अगली बार से तो आप खुद ही कर लेंगे ना। ओके, तो मेरे पीछे जो मेरा सेटअप रखा हुआ है, कीबोर्ड, माइक्रोफोन, लैपटॉप, स्पीकर्स, मिक्सर, सब कुछ, तो इस पूरे सेटअप में समझाना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। तो मैं कीबोर्ड और लैपटॉप को निकाल लेता हूँ, एंड वी शैल सी हाउ वी कैन गो अबाउट द कनेक्शन। सबसे पहले इसके पीछे जो पोर्ट्स हैं उनको अच्छे से देखिए। सबसे पहला जो पोर्ट है, यानी कि ये वाला, यहाँ पे आपका चार्जर लग जाएगा, यानी कि उसका जो पावर केबल है वो केबल लग जाएगी यहाँ पे। तो सस्टेन पेडल जो होता है वो भी मीडी में सपोर्टेड होता है, तो आप इसको यूज कर सकते हो। तो इसको आप कनेक्ट कर दीजिए इस पर्टिकुलर पोर्ट पर। यहाँ पे आपका है हेडफोन का पोर्ट, बट इस पोर्ट को हम यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि हम कीबोर्ड के आउटपुट को हेडफोन में नहीं चाहते हैं, हम मिडी आउटपुट को हेडफोन पर चाहते हैं। तो हेडफोन के इस पोर्ट को यूज़ मत कीजिए, आप अपने लैपटॉप पर आपको हेडफोन कनेक्ट करना रहेगा। अगर आप थोड़ा सा और सामने आ जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक स्क्वायर टाइप का पोर्ट दिखेगा। ये जो पोर्ट है यहाँ पे आप देखेंगे ऊपर USB लिखा हुआ है,
इस पर्टिकुलर पोर्ट में आपको मीडी केबल लगानी है। तो मैंने आपको जो केबल पहले दिखाई हुई है उस केबल की जो ये वाली एंड है यानी कि जो स्क्वायर वाली एंड है उसको आप इस पर लगा दीजिए, और जो दूसरी वाली एंड होगी ये आपकी चली जाएगी लैपटॉप पे। बस तो आपका कनेक्शन सेटअप हो गया। हम अपने कीबोर्ड को ऑन कर लेंगे और उसके साथ साथ इसकी जो वॉल्यूम नॉब है उसको बिल्कुल जीरो पर सेट कर देंगे। हमको बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहिए कि यहाँ से कोई भी साउंड निकल कर आए। इसके बाद चलते हैं अपने लैपटॉप की तरफ। अच्छा, तो यहाँ पर जो है मैं ऑलरेडी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर रखा हूँ अपने सिस्टम पे, वो तो इंस्टॉल्ड ही है। आपको मैंने जो लिंक दिया टेलीग्राम पर वहाँ से इसको डाउनलोड कीजिए एंड इसको इंस्टॉल कीजिए। वैसे तो आप अभी देख सकते हो, बट इट विल बी बेटर कि आप उसको देख कर सेटअप करेंगे तो सेटअप एक बार में जो है आपका ठीक निकल जाएगा। चलिए कंटिन्यू करते हैं। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट सेटिंग्स करके एक छोटी सी विंडो आई हुई है। हमको इसमें जहाँ दिखा रहा है इंस्ट्रूमेंट ट्रैक, इसके काउंट को हम 5-6 के आसपास कुछ कर देंगे। ऑडियो ट्रैक्स एंड बाकी सारे काउंट्स जो यहाँ पे हैं ये सब के सब जीरो पर होना चाहिए। आप मैच करा लीजिए कि सारी चीजें जो यहाँ पे दिख रही हैं वो आपकी और मेरी स्क्रीन में हूबहू मैच कर रही है। यहाँ पे ओके पर क्लिक कर देंगे तो ये जो अपना मिक्स क्राफ्ट है इस तरीके से अपने सामने आ जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे बहुत सारे एक्यूस्टिक पियानो, एक्यूस्टिक पियानो, एक्यूस्टिक पियानो, एक्यूस्टिक पियानो इस तरीके से लिखकर आ रहा है। इनको आप फिलहाल इस तरीके से छोड़ दीजिए। आपको सबसे पहले जो करना है, यहाँ पे मिडी लिखा हुआ है इस पर क्लिक नहीं करना है इसके बगल में जो सेटिंग्स वाला आइकन है इस पर क्लिक कर दीजिए। तो आप देखेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके से खुलकर आ गया। यहाँ पे आप आइए मिडी सेटिंग्स पर और यहाँ पे देखिए मेरे कीबोर्ड में शो कर रहा है कैशियो यूएसबी टू मिडी। आपके में कुछ ना कुछ शो करना चाहिए। अगर आप यामाहा का कीबोर्ड यूज करें तो यामाहा आना चाहिए, कैशियो तो कैशियो आना चाहिए, या फिर जेनेरिक मीडी करके भी आ सकते। बस मेक श्योर कि ये वाला जो चेकबॉक्स है ये अपना ऑन होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए। आकर ओके पर क्लिक कर दीजिए। इतना जैसे ही हो गया अभी देखिए क्या होता है। मैं इस ट्रैक पे जाके इस आर्म बटन पर क्लिक करूंगा तो ये वाला जो मेरा ट्रैक है ये रेड कलर का हो गया है। तो अब भी अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो मेरे कीबोर्ड पर अगर मैंने की प्रेस किया तो यहां पे जो है आपको वो दिख जाना चाहिए। लेट्स डू दैट। यहाँ पे जैसे ही मैं की दबा रहा हूँ आप नोटिस कर रहे होंगे कि यहाँ पे जो है एक ग्रीन कलर का, ये देखो मैं फोकस करता हूँ, यहाँ पे जो है आपको दिख रहा होगा कि साउंड कैप्चर हो रहा है। एक हल्के से देखिए साउंड भी निकल कर आ रहा है। ये लैपटॉप के इंटरनल स्पीकर से ये साउंड जनरेट होकर आ रही है। हमको इसे चेंज करने के लिए हेडफोन लगाना पड़ेगा ताकि हमारे कान में जो ये साउंड आकर आए। तो अभी जो साउंड निकल कर आएंगे वो मेरे हेडफोन से आएंगे, मेरे लैपटॉप के इंटरनल स्पीकर से नहीं। तो चलिए अब देख लेते हैं कि कैसे हम इसको सेटअप कर सकते हैं इस तरीके से ताकि लाइव बजाने के लिए अपना कीबोर्ड और लैपटॉप का जो संगम है वो वर्कआउट कर जाए। ओके, तो यहाँ पर जो है हमने अपना कीबोर्ड को लैपटॉप से कनेक्ट कर लिया एंड कीबोर्ड बजाने पर लैपटॉप तक उसकी आवाज़ जो है पहुँच रही है। दैट पार्ट इज डन। तो इसके बाद मैं बताने वाला रहूँगा कि कैसे आप जब लाइव बजा रहे हैं तो आप किस तरीके से इसको सेटअप कर सकते हैं कि आप इंस्ट्रूमेंट को जो है चेंज कर पाएंगे लाइव बजाते टाइम पे। ठीक है, तो अब देखो इसमें दो चीजें होती हैं। एक तो बेसिक होता है जबकि आपके पूरे कीबोर्ड में एक ही साउंड प्ले हो रहा है, जैसे कि नॉर्मली आपका कीबोर्ड में होता है। पियानो ले रहे हो तो पूरा का पूरा कीबोर्ड आपका पियानो हो गया, स्ट्रिंग्स ली तो पूरा का पूरा कीबोर्ड आपका स्ट्रिंग्स हो गई। एंड फिर मैं बताऊंगा थोड़ा एडवांस वाला उसके बाद, जहां पे मैं ये बताऊंगा आप कैसे इसको तोड़ सकते हो ताकि अलग अलग पार्ट में जो है अलग अलग साउंड निकल कर आए आपके कीबोर्ड के। तो उसमें क्या होगा, इंस्ट्रूमेंट चेंज किए बिना ही आपको एक टाइम पर मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट मिल जाएंगे कीबोर्ड की कीज पर। तो स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। देखिए हमें क्या करना है, हमको अलग अलग जो टोन्स चाहिए उसको हमें पहले लिख लेना है कि भाई देखो हमें स्ट्रिंग्स चाहिए, पियानो चाहिए, मे बी एक सैक्सोफोन की आवाज़ चाहिए। ऐसे अलग अलग आवाज़ें जो आपको चाहिए वो आपको नोट डाउन करना है सबसे पहले। तो अगर सिचुएशन ऐसी हो कि आप किसी भी एक टाइम पर दो साउंड आपके कीबोर्ड में कभी भी नहीं चाहिए ना, जब पियानो चाहिए तो पूरा ही पियानो चाहिए, जब स्ट्रिंग्स चाहिए तो पूरा ही स्ट्रिंग्स चाहिए, अगर ऐसा हो तो वो सेटअप करना बहुत आसान है। देखिए क्या करना है आपको, सबसे पहले आपका जो पहला ट्रैक है इसमें आपको एक पियानो का सैंपल लेना है। नाउ ऑलरेडी एक पियानो यहाँ पे दिया हुआ है तो आप जब इसको बजाते हो आप देख रहे हो कि प्रीटी मच चल रहा है, ये आ रहा है, लेकिन ये पर्टिकुलर सैंपल मुझे उतना पसंद नहीं आ रहा है। तो हम इसको चेंज करके कोई अच्छा सा पियानो का साउंड ढूंढेंगे। तो वो करने के लिए ये जो कीबोर्ड जैसा आइकॉन यहाँ बना हुआ है इस पर आप क्लिक करेंगे, देखो बता रहा है चेंज इंस्ट्रूमेंट, इस पर क्लिक कर दीजिए तो आपको बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट की यहाँ पे वो लिस्ट दिखाएगा। लेफ्ट साइड में अगर आप देखेंगे यहाँ पे कैटेगरी वाइज दिया हुआ है, जैसे कि अगर आप फॉर एग्जांपल यू नो ब्रैस साउंड्स अगर आपको चाहिए तो आप इस पर क्लिक कर सकते हो। तो राइट हैंड साइड में क्या होगा कि ब्रैस के जितने साउंड्स हैं वो सारे एनलिस्टेड हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो।
या फिर आप यहाँ पे ऑल पर आ जाइए और यहाँ पे बस सर्च कर लीजिए। तो देखिए आपको पियानो चाहिए तो पियानो सर्च कीजिए। तो यहाँ पे मैं देखो यहाँ पे बहुत सारे पियानोज हैं, बट जो वाला मैं लेने वाला हूँ वो मैं ये वाला लेने वाला हूँ, लेट्स से पियानो 100 क्लिक कीजिए। इसका साउंड चेक करते हैं, ये तो वंदे मातरम का ट्यून हो गई। चलो कोई बात नहीं, तो ये मुझे उतनी खास नहीं लगी। लेट अस टेक दिस वन, लेट्स ए फिल्म पियानो लाइट, ये देखते हैं कैसा है। लेट्स से यही वाला मुझे चाहिए, तो आप टाइम लीजिए, अच्छे से ढूंढिए कौन सा साउंड आपको चाहिए। तो ये जो फिल्म पियानो लाइट है उसको मैंने ले लिया मेरे ट्रैक नंबर 1 पर, ठीक है। तो इन सब को हम एक एक ट्रैक कहेंगे। अब दूसरे ट्रैक पर आते हैं, तो इस पर भी बाय डिफॉल्ट पियानो ही है, वही वाला सेम वाला पियानो, इसको भी चेंज करते हैं। यहाँ पे मैं चाहता हूँ लेट्स से फॉर एग्जाम्पल एक पैड साउंड, तो मैं पैड ले लेता हूँ, बिगेस्ट पैड एवर, देखते हैं क्या निकल कर आता है। काफी अच्छी साउंड मुझे लगाई है, तो मैंने ये मान लीजिए ले लिया। उसके बाद आपका आता है और एक यहाँ पे है, तो इस पे मान लीजिए मुझे स्ट्रिंग्स लेने हैं जो कि ऐसे हैं, काफी अच्छी स्ट्रिंग्स हैं, तो मैंने इसको ले लिया। यहाँ पे क्लोज कर दीजिए, वापस से इस वाले पर आ जाइए। तो मान लीजिए मुझे यहाँ पे कोई प्लक्ड इंस्ट्रूमेंट यूज करना है, जैसे डल्सिमर या समथिंग, तो डल्सिमर ले लीजिए, इसकी आवाज बहुत अच्छी होती है, ठीक है। तो ये जो मैंने 5 अलग अलग साउंड जो मुझे चाहिए इनको मैंने ले लिया, तो ये बाकी जो है इनको मैं डिलीट कर देता हूँ। राइट क्लिक डिलीट ट्रैक, राइट क्लिक डिलीट ट्रैक, तो ये दोनों डिलीट हो गए। तो आपके पास ये 4 साउंड आ गए। ऐसे आप कितने भी साउंड से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ जो भी ट्रैक आपका सिलेक्टेड रहेगा कैसे समझना, ये देखो ये हाईलाइट होकर रह रहा है ना, ये जो ब्लू कलर का हाईलाइट आ गया है, इस पर आऊंगा तो ये ब्लू कलर का हाईलाइट आ जा रहा है जिस पर भी जा रहा हूँ। तो कौन सा ट्रैक आपका सिलेक्टेड है वही वाले ट्रैक का जो साउंड है वो कीबोर्ड बजाने पर निकल कर आएगा। जैसे कि मेरा फिल्म पियानो लाइट सिलेक्टेड है, तो अगर मैं बजाऊं तो वो वाली आवाज आ रही है, अगर मैं बिगेस्ट पैड एवर इस पर आऊं तो ये वाली आवाज आएगी, ठीक है। एम्बियंट स्ट्रिंग्स उसका आवाज आ रहा है, एंड डल्सिमर वंस अगेन उसकी आवाज आ रही है। नाउ द क्वेश्चन इज कि आप जब ऐसे लाइव परफॉर्म कर रहे होंगे, ये स्टूडियो के लिए बहुत अच्छा है, ये काफी है, बट जब आप लाइव परफॉर्म कर रहे होंगे आप इसको चेंज कैसे करेंगे, है ना। तो ऐसे तो ये माउस ले जा करके ऐसे क्लिक करके चेंज करना, दैट डज नॉट साउंड मच यू कैन से कन्वीनियंट। तो आपको कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा जिससे ये काम बहुत आसान से हो जाए। तो इसका एक शॉर्टकट है, वो है कि आप अगर ये एरो कीज को यूज करेंगे, देखिए मैं एरो कीज दबा रहा हूँ, ऊपर दबा रहा हूँ तो ऊपर जा रहा है, नीचे दबा रहा हूँ तो नीचे आ रहा है। तो अगर मैं इस पर हूँ, दबाया, अब देख रहे हैं कि इस समय इसको चेंज कर सकता हूँ। तो अगर आपको ऐसा हो कि आपका जो लैपटॉप है उसको आपको ऐसा स्टैंड मिल गया कि आप सामने ही रख सकते हो, गुड इनफ। अगर ऐसा ना हो तो कीबोर्ड का ये जो रजिस्ट्रेशन मेमोरी बटन्स जो होते हैं, ये बटन्स किसी भी काम नहीं आने वाले हैं अनफॉर्चुनेटली। तो हम क्या कर सकते हैं, हम कीबोर्ड के किसी भी की को हम मैप करा सकते हैं इस काम को करने के लिए। मतलब मान लीजिए आपका जो एकदम लेफ्ट मोस्ट साइड का जो सी नोट है और जो डी नोट है, एकदम फर्स्ट ऑक्टेव का सी एंड डी नोट, नाउ ये दोनों नोट हो सकता है कि आपको उतना ज्यादा उसकी जरूरत नहीं पड़ती हो। आप सामने आ जाओ, आपको समझ में आएगा। मान लीजिए ये जो दोनों नोट्स हैं मेरे सी एंड डी, ये दोनों मेरे उतने काम नहीं आने वाले, मैं जब बजाऊंगा मैं बाकी सारा नोट बजाऊंगा, बट शायद ये दोनों मेरे उतने काम नहीं आने वाले। तो आपको ऐसे दो कोई भी नोट चुन लेने हैं, मैं सी और डी चुन रहा हूँ, आप अपने हिसाब से और भी कोई दो नोट चुन सकते हैं। आप एकदम लास्ट ऑक्टेव में भी ले सकते हैं, सामने में भी ले सकते हैं, कहीं भी, जो आप जनरली नहीं बजाते हैं। तो मैं ऐसा करूंगा कि जब मैं सी नोट को दबाऊंगा तो मैं चाहता हूं कि मेरा जो प्रीवियस ट्रैक है, यानी कि अप एरो दबाने में जो काम होता है, जो ऊपर जा रहा है सिलेक्शन, वो मेरा सी नोट से हो जाए। मैं सी दबाऊंगा तो एक ऊपर चला जाएगा, और डी दबाऊंगा तो नीचे आ जाएगा, यानी कि उसके बाद वाले इंस्ट्रूमेंट पर आ जाएगा। तो मैं ये दोनों की को असाइन करने वाला हूँ, कैसे करूंगा देखते हैं। तो ये जो मीडी करके बटन है इस पर राइट क्लिक कर दीजिए, तो इस तरीके से एक विंडो खुलकर आपके सामने आ जाएगी। लेफ्ट क्लिक नहीं करना है, राइट क्लिक करना है। इस पर देखिए यूजर इंटरफेस करके एक चीज है, इस पे क्लिक कर दीजिए। तो यहां पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक है सिलेक्ट प्रीवियस ट्रैक, एक है सिलेक्ट नेक्स्ट ट्रैक। तो प्रीवियस मतलब ऊपर वाले ट्रैक्स पे चलता चला जाएगा जब तक ना ये टॉप मोस्ट ट्रैक पर पहुंच जा रहा है, और नेक्स्ट मतलब ये एक के नीचे दूसरा आते चला जाएगा जब तक ना ये लास्ट ट्रैक तक पहुंच रहा है। हमें क्या करना है, हमको ये मिडी लर्न जो बटन है इस पे क्लिक करना है। तो देखिए इस तरीके से एक वायलेट कलर हर जगह आ गया है। अभी हम क्या करेंगे, ये सिलेक्ट प्रीवियस ट्रैक वाले को हम सिलेक्ट कर लेंगे, इसको क्लिक कर लेंगे तो ये सिलेक्ट हो गया। अभी हम कीबोर्ड पर सी नोट को दबा देंगे,
तो देखिए ये तुरंत जो है कनेक्शन इसका लग गया सी नोट के साथ। अभी हम सिमिलरली नेक्स्ट ट्रैक पर आएंगे और यहाँ पर हम डी नोट को दबा देंगे। तो सी और डी ये दोनों जो कीज़ हैं आपके, ये दोनों कनेक्टेड हो गए आपके प्रीवियस और नेक्स्ट ट्रैक में रिस्पेक्टिवली। अगर मैंने अभी कर दिया स्टॉप लर्निंग तो ये जो वायलेट कलर का कास्ट आ रखा था ये चला गया। तो अभी आप देखेंगे, अगर मैंने इसको क्लोज भी कर दिया, सेव करने के लिए कह रहा तो यस कर दीजिए, इसका कोई नाम दे दीजिए, कैशियो की कंट्रोल समथिंग लाइक दैट, है ना, ऐसे कुछ दे दीजिए बस। तो अभी आप देखो, अगर मैं यहाँ पे कीबोर्ड पर कीज़ दबाऊंगा, मैं यहाँ पे इसका टच नहीं कर रहा हूँ, अपना जो लैपटॉप है उसका, मैं सिर्फ ये देखिए ये हाथ में हटा ले रहा हूँ, मैं बस इसको यूज़ कर रहा हूँ। तो देखिए मैं जैसे डी दबाऊंगा, देखो यहाँ पे सिलेक्शन चेंज होते जा रहा है, यहाँ पे सी दबाऊंगा सिलेक्शन ऊपर होते चला जा रहा है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अगर हमको पियानो बजाना है मान लीजिए, तो हम ऐसे बजा रहे हैं, है ना। अभी तुरंत हमको चेंज करके जाना है पैड साउंड पर, तो इसको दबा दीजिए, वापस पियानो पे आना है, स्ट्रिंग्स और डल्सिमर जाना है, तो आपका जो साउंड चेंज का जो काम था वो काम आपका ये दोनों कीज से अभी हो जा रहा है। तो बाकी नोट्स आपके म्यूजिक बजाने में काम आएंगे और ये सारे नोट्स आपके म्यूजिक को कंट्रोल करने में काम आएंगे। इस तरीके से आप जो है अपने कीबोर्ड को यूज कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ तक देखो आपका जो पहली जो चीज थी वो हो गई, यानी कि पूरे पूरे कीबोर्ड में एक साउंड। तो अभी हम देखेंगे इसको तोड़ के कैसे यूज करते, थोड़ा सा जो एडवांस्ड तरीका होता है, लेट्स गो फॉर इट। देखो द मेन गेम लाइज इन कि आप स्प्लिट कैसे करते हो, यानी कि एक एक बार में आपके कीबोर्ड में मल्टीपल साउंड्स होने चाहिए। अब स्प्लिटिंग बाय डिफॉल्ट आपके कीबोर्ड में एक होता तो है बिल्ट इन, बट उसमें आप मैक्सिमम टू हिस्सों में इसको तोड़ सकते हो। थोड़े से महंगा कीबोर्ड में आप चार हिस्से तक आप तोड़ सकते हो। मिडी आप जब यूज करेंगे तब आप कितने भी हिस्से में उसको तोड़ सकते हैं। तो अगर मैं चाहता हूं कि मेरे कीबोर्ड में ये जो लेफ्ट का जो दो ऑक्टेव है इस पर मेरा पियानो का साउंड बजे, उसके बाद इस ऑक्टेव पे मेरा जो है स्ट्रिंग्स बजे, एंड यहाँ पे मेरा लेट से डल्सिमर बजे, अगर मुझे इस तरीके से इसको चेंज करना हुआ तो हम कैसे कर सकते हैं देखिए। तो यहाँ पे आप एक नया ट्रैक ऐड कर लीजिए प्लस ट्रैक बटन पे क्लिक करके, इस पर लिख दीजिए इंसर्ट वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट ट्रैक। यहाँ पे इसको एकदम नीचे लेकर आ जाइए, इसका नाम आप यहाँ पे क्लिक करके चेंज कर सकते हैं, इसको कर दीजिए पियानो प्लस स्ट्रिंग्स प्लस डल्सिमर। ओके, अब इसके जो ये आइकॉन है चेंज इंस्ट्रूमेंट वाला, इस पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आएगा शो डिटेल्स करके, इस पर क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे देखिए मुझे एक नया ऑप्शन खुल जाएगा कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट मेरा बज रहा है, अब इसको मुझे चेंज करना है। यहाँ पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे जा अगर आप नीचे आ जाएंगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा कि ट्रैक सिलेक्ट करने के लिए, लिखा हुआ है कि रूट टू ट्रैक, तो हम इसको और किसी ट्रैक पर भेज सकते हैं। हम कहेंगे कि मैं इसको भेजना चाहता हूँ फिल्म पियानो ट्रैक पर, तो मैं इसको ले लेता हूँ, ये देखो फिल्म पियानो लाइट करके आ रहा है, क्लिक कर दीजिए। अच्छा, यहाँ पे एक ऑप्शन है रेंज करके, इस रेंज में डिसाइड होता है, अगर आप क्लिक करेंगे तो ये देखो एक कीबोर्ड जैसा ऐसे खुल गया, तो यहाँ पे डिसाइड होता है कि हमें कहाँ से कहाँ तक इस साउंड को प्ले करना है कीबोर्ड के। तो हम यहाँ पे ऑप्शन को चेक करेंगे सेट बाय मिडी कीबोर्ड। अभी हमें क्या करना है, अभी हमको चाहिए यहाँ से लेके यहाँ तक अपना पियानो का साउंड। तो आप पहले लेफ्ट हैंड वाला क्लिक कर दीजिए जो कि ये, और फिर आप कर दीजिए राइट साइड वाला। तो आप देखेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक जो रेंज है वो रेंज आपका यहाँ पे हाईलाइट हो गया। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का रेंज जो है आपका C3 से लेके C5 तक आपका सेट हो गया पियानो साउंड के लिए। इसको क्लोज कर दीजिए, फिर आप एक नया ऐड कीजिए, सिलेक्ट सिंथ करके आ रहा है, यहाँ पे वापस से नीचे आ जाइए, यहाँ पे ऐड कीजिए लेट से फॉर एग्जांपल आपको पैड साउंड चाहिए उसके ऊपर, अब बिगेस्ट पैड एवर, ये भी आपका पूरा का पूरा रेंज दे रहा है। यहाँ पर आ जाइए, सेट बाय मिडी कीबोर्ड स्विच ऑन होना चाहिए, आप ले लीजिए आपका नेक्स्ट वाला ऑक्टेव, यानी कि इस सी से लेके इस सी तक। तो ये जो पूरा रेंज है इस ऑक्टेव का, ये आपका एलोकेट हो गया इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट को, क्लोज कर दीजिए। एंड एट द एंड आप और एक ऐड कर दीजिए एकदम लास्ट वाले के लिए, आप नीचे आइए, अब डल्सिमर लगा दीजिए एंड इसको आप सेट कर लीजिए आपके लास्ट वाले ऑक्टेव के लिए आपके कीबोर्ड की, यानी कि यहाँ से लेके
यहाँ तक। तो यहाँ तक आने के बाद आप नोटिस करेंगे ये जो तीन इंस्ट्रूमेंट हैं ये आपके कीबोर्ड में तीन अलग अलग हिस्सों में टूट चुका है। देखते हैं कैसे। यहाँ पे जो पियानो है, यहाँ पे पैड है, और यहाँ पे जो है डल्सिमर है। अब मान लीजिए मुझे जो पियानो का जो ये साउंड जो है ये मुझे थोड़ा ऊपर ऑक्टेव के साउंड्स चाहिए थे, इतना नीचे ऑक्टेव का हमको नहीं चाहिए था। हम इसको कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे आ जाइए ट्रांसपोज में, आप लगा दीजिए 12 लगाएंगे तो ये एक ऑक्टेव ऊपर चला जाएगा। अगर आप 24 लगाएंगे तो दो ऑक्टेव ऊपर चला जाएगा। मैंने 12 लगाया, मैंने क्लिक किया ओके पर। अब क्या हुआ देखो, ये वाला ऑक्टेव मुझे यहाँ पे मिल गया। इसके बाद वाले में इसको रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये वाला जो पार्ट है ये मुझे काफ़ी इतना हाई नहीं चाहिए, इसको मुझे थोड़ा नीचे चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं वापस से ट्रांसपोज करूँगा और इस पर मैं करूँगा लेट से -12, तो एक ऑक्टेव नीचे, या फिर -24 अगर आपको दो ऑक्टेव नीचे इसके साउंड को लाना है तो। तो अभी जब मैं यहाँ बजा रहा हूँ डल्सिमर का साउंड दो ऑक्टेव नीचे की जैसा साउंड करेगा, राइट। तो आपका जो कीबोर्ड है ये फिलहाल अलग अलग हिस्सों में टूट चुका है, ठीक है। तो हमने ये जो ट्रैक तैयार किया ये अपना एक ऐसा ट्रैक हो गया जहां पे ये तीनों इंस्ट्रूमेंट साथ में आ रहे हैं। अगर आप फिर भी सी और डी नोट को यूज करके ट्रैक ऊपर और नीचे करते रहेंगे, जैसे कि ऊपर आ गए तो ये पूरा ही डल्सिमर है, पूरा ही कीबोर्ड आपका डल्सिमर है। अगर आप फिर ऊपर आ गए तो पूरा ही कीबोर्ड आपका स्ट्रिंग्स है। अगर आप और ऊपर आ गए तो बिगेस्ट पैड एवर वो बज रहा है अपना, और एकदम ऊपर पूरा ही पियानो है। लेकिन अगर हम इस ट्रैक पर आके रहेंगे तो हमको ये कॉम्बिनेशन मिलेगा। अच्छा, तो ये जब आपका हो गया, सबसे पहले आप इसको सेव कर दीजिए। फाइल पर आइए और सेव पर क्लिक कीजिए और इसका नाम आप दे दीजिए कहीं भी। ये देखो मैंने जो कमेंट सॉन्ग बनाया था आपका वो यहाँ पे पड़ा हुआ है, फेक पियानो जो बनाया था वो यहाँ पर पड़ा हुआ है, उनके जो प्रोजेक्ट्स थे। अच्छा, यहाँ पे मैंने फाइल नेम रखा लेट से लाइव सेट 1। अच्छा, शैडो गेमिंग करके एक भाई ने कमेंट किया था कि भाई आपकी वीडियोस मैं देखता हूँ एंड 14 February को शायद वो परफॉर्म करने वाले हैं कहीं पे, तो कह रहे हैं कि उसके पहले भी तरीका सिखा दो कैसे लाइव परफॉर्म करते हो विद मीडी, तो मैं वहाँ पे उसको यूज़ कर सकता हूँ उस परफॉर्मेंस में। भाई एक बात बता दूँ, इसको इतनी जल्दबाजी में मत करो, 14 February बस आने ही वाला है, तो आप उसमें जो है नॉर्मली आप जैसे बजाने वाले थे वैसे ही बजाओ, क्योंकि इसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, है ना। आप देख रहे हो कि आपको ऐसे चेंज करने पड़ रहे हैं नोट्स वगैरह, ये CD दबा कर ये सब जो है ये थोड़ा सा प्रैक्टिस होना पड़ेगा, वरना स्टेज पे मैसअप हो जाएगा। तो स्टेज पे जब पब्लिक के सामने कर रहे हो मैसअप मत करो, वहाँ पे जो कर रहे हो वही करो, बट इसको प्रैक्टिस कर लीजिए। एक बार जब हाथ पे चीज़ बैठ जाती है फिर जाकर आप जो है स्टेज पर कर दीजिए। अच्छा, ये वीडियो तो मैंने यहीं तक शूट की है, तो आपका जो है कीबोर्ड रेडी हो गया। तो ऐसे अलग अलग ट्रैक्स बना लीजिए, कॉम्बिनेशन ट्रैक मैंने जो आपको लास्ट में दिखाया वैसे अलग अलग ट्रैक्स बना लीजिए, उन पर आप अप डाउन करते रहिए अपने सी और डी नोट्स को यूज़ करके, एंड उसके हिसाब से आप जो है यू नो आपका जो लाइव सेट जो है कौन से ऑक्टेव में क्या बज रहा है वो चीज़ आप चेंज कर पाएंगे। ऐसे मल्टीपल सेट्स आप वहाँ पे रख सकते हो, द पॉसिबिलिटीज इनफाइनाइट। आप इस पर जाके एक पूरा बैकग्राउंड म्यूजिक का ट्रैक भी बनाकर रख सकते हो, उसके साथ साथ आप परफॉर्म कर सकते हो, लाखों चीज़ें हो सकती है। बट ये बस पहली वीडियो है, और भी वीडियो मैं इस पर लाऊंगा अगर मुझे अच्छे खासे कमेंट्स या अच्छे खासे रिस्पॉन्स मिले तो। तो अगर आप एक्चुअली ये देखना चाहते हो और भी वीडियोज इसके ऊपर और एडवांस्ड वीडियोज, तो वो मुझे कमेंट करके बताओ, मैं पूरी की पूरी सीरीज ला सकता हूँ, नॉट अ बिग डील। तो वैसे तो एक प्लान्ड वीडियो ऑलरेडी है जो मेरा ट्यूजडे 8 PM आने वाली है, लेकिन अगर आपको लगे कि नहीं इसी चीज़ को आगे बढ़ाना है तो आप मुझे कमेंट करके बताओ, मैं इस चीज़ को जरूर आगे बढ़ाऊंगा अगर इनफ नंबर ऑफ कमेंट्स मुझे आ गए तो। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको ये सारे रिसोर्सेज मिल जाएंगे जो भी मैंने बताई इस पर। एंड हाँ, 28 February रात के 8 PM संडे है वो, एक मैं लाइव आ रहा हूँ यूट्यूब चैनल पर, तो आपको नीचे जो है पिंड कमेंट में मिल जाएगा एक फॉर्म, गूगल फॉर्म, जहाँ पे क्लिक करके आप अपना क्वेश्चन वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं, जिस क्वेश्चन का आंसर मैं उस लाइव सेशन में करूँगा। एंड लाइव सेशन में आपके पास चैट सपोर्ट भी रहेगा, आप चैट में भी आप क्वेश्चंस डाल सकते हैं। रात के 8 PM 28 February, मीट यू देयर। तब तक के लिए बगल में जो यू नो दिस राइट, क्लिक ऑन वन ऑफ देम। थैंक यू, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड, लव यू।